होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम हियर अगेन विद अनदर वीडियो. तो टुडे आई विल टॉक अबाउट हाउ आई ऑर्गेनाइज एट होम. क्या मेरा प्रोसेस है, कैसे मैं अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ और कुछ टिप्स जो मेरे लिए वर्क करते हैं टू कीप माई थिंग्स सॉर्टेड. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर देम विद यू. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू शेयर दिस सिस्टम. ये एक बास्केट है एंड इन दिस बास्केट आई कीप ऑल माई टॉयलेटरीज. तो टॉयलेटरीज रखने के लिए मेरे को लगता है कि ये सिस्टम मेरे लिए बहुत वर्क करता है एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट आई हैव इन द वॉशरूम आई कैन कीप इट इन वन प्लेस एंड इट स्टेज नीट एंड क्लीन एंड आई जस्ट आफ्टर फ्यू डेज आई जस्ट वाइप इट एंड देन दैट्स डन. एंड ये फिरो का क्लीन करने के लिए मैं इस सिस्टम में रख लेती हूँ. तो मेरा एवरीथिंग इज इन दिस. मुझे कहीं से कुछ नहीं लाना. इट्स इन वन प्लेस एंड इट्स कॉम्पैक्ट. सेकेंड थिंग विच आई डू इज आई कीप माई नैपकिन्स. सो ऐसा एक बास्केट कोई भी आपको मार्केट से मिल जाएगा. नहीं तो यूजुअली ऐसे सॉफ्ट टॉयज होते ही हैं घर पे, तो आप ऐसे स्टिक भी कर सकते हैं उसका टॉप एंड इट लुक्स नाइस कोई भी ऊपर रखा हुआ आपके मैंटल पे. सो आई लाइक टू कीप माई टॉवल्स विच आई यूज़ फॉर माई फेस इन दिस बास्केट एंड देन आई स्विच देम आफ्टर सम टाइम. अगेन अनदर थिंग फॉर द नैपकिन्स, क्योंकि सारे नैपकिन्स मुझे स्टोर करने होते हैं तो आई हैव दिस सिस्टम. ये ऐसे नेट है एंड ये एक डॉल है. सो द डॉल इज काइंड ऑफ होल्डिंग द नेट लाइक दिस एंड इस नेट में मेरे सारे जितने भी नैपकिन्स हैं वो स्टोर हो जाते हैं एंड व्हेन इट्स हंग इट लुक्स रियली नाइस लाइक दिस यू कैन सी. सो मेरे लिए ये सिस्टम वर्क करता है एंड इट ऑल्सो लुक्स नाइस हंग ऑन द डोर. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर मी. सेकेंडली आई कीप माई हेयर बैंड्स एंड एवरीथिंग इन दिस काइंड ऑफ अ क्लियर पैक. तो ये एक क्लियर पैक है, इसमें मुझे दिख जाता है मेरा कौन सा क्लिप और कौन सा हेयर बैंड कहाँ रखा हुआ है. सो आई जस्ट कीप इट इन दिस इन वन प्लेस इंटैक्ट और ऊपर से इट हैज़ दिस फ्रिल्स. तो ये देखने में भी इट लुक्स नाइस एंड जस्ट इट हैज़ लॉट ऑफ कैपेसिटी. तो इसमें सारे मेरे जितने भी हेयर बैंड्स हैं आई कैन स्टोर इन दिस. सो एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन वन प्लेस एंड आई कैन जस्ट यूज इट वेन एवर आई वॉन्ट. सेकेंड टिप विच इज़ वेरी हैंडी आई थिंक, कि हमारे घर में हर किसी के पास ऐसे बॉक्सेस होते हैं. इवन इन वेडिंग्स एंड ऑल में कुछ बॉक्सेस लोग दे जाते हैं. सो व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट चक द थिंग्स आउट ऑफ दैट एंड ऐसे मैं उस बॉक्स के क्लीन कर लेती हूँ एंड आई जस्ट स्टोर माय दीज डायमोंटे क्लिप्स. तो ये जितने भी क्लिप्स हेयर एसेसरीज जो भी रहता है आई जस्ट वॉन्ट टू कीप देम सेफ, क्योंकि ये डायमोंटेज गिर के ख़राब हो जाते हैं. सो आई जस्ट कीप देम इन बॉक्स विच हैज़ अ लिड ऑन इट एंड दीज लुक वेरी प्रिटी. सी इट्स सो शाइनी ऑल्सो. सो वाई टू थ्रो देम अवे. अगले ने भी इतना पैसा खर्चा किया है तो क्यों नहीं हम इसको यूज़ कर लेते हैं. सो आई जस्ट कीप इट इन दिस और मुझे अच्छा लगता है टू लुक एट इट ऑल्सो. अनदर थिंग सेम काइंड ऐसा बॉक्स इट इज़ फॉर स्टोरिंग माई क्लचर्स. तो जितने भी मेरे ऐसे क्लचर्स होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं सो आई कीप देम इन दिस. तो ये भी वैसे ही कुछ ना कुछ वेडिंग टाइप का कुछ गिफ्ट आता है और उसमें मैं ये क्लियर करके क्लीन करके एंड आई यूज़ इट एंड आई डोंट नीड टू स्पेंड एनी मनी. घर पे ही रखा है तो उसको फेंकने से अच्छा आई यूज़ इट फॉर माई गुड. एंड नेक्स्ट इज दिस पाउच. इट्स देखने में बहुत छोटा लग रहा है बट इट हैज़ लॉट ऑफ कैपेसिटी. सो सी इट हैज़ थ्री सेक्शंस. ऐसे थ्री सेक्शंस हैं, क्लियर सेक्शंस. वन आई यूज़ फॉर माई रबर बैंड्स, दिस वन आई यूज़ फॉर माई साइड पिंस एंड दिस इज़ फॉर द स्मॉल क्लचर्स. एंड इन दिस होल थिंग यू कीप योर ताम झाम एंड यू आर डन. एंड इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग यू जस्ट हैव टू पुट दिस इन योर बैग एंड यू आर गुड टू गो. So this is really nice and it keeps my things organized. मुझे कहीं किसी और जगह बार बार जाके लेके नहीं आना. एक ही जगह पे मेरे सारे हेयर एसेसरीज कॉम्पैक्ट तरीके से सेव्ड हैं. नेक्स्ट अप आई कीप माई ब्रेसलेट्स. आई हैव लिटिल बिट कलेक्शन, छोटा सा जो भी मेरा कलेक्शन है. सो आई कीप देम इन दिस बॉक्स.
एंड ये बॉक्स ऊपर से ले इसका ऐसा है. सो इट्स रियली प्रिटी एंड आई लाइक टू कीप सच प्रिटी ब्यूटिफुल थिंग्स इन माई कलेक्शन. तो मैं ऐसा कहीं से भी मैं कहीं ट्रैवल करती हूँ या कोई मुझे कुछ गिफ्ट देता है तो आई लाइक टू यूज़ इट सो दैट आई रिमेंबर दैट पर्सन एंड ऑल्सो इट लुक्स प्रिटी. सो दिस इज हाउ आई कीप माई ब्रेसलेट्स. नेक्स्ट अप इज दिस पाउच. दिस इज यू कैन गेट एनी पाउच. इस पर ज़रूरी नहीं है इसी तरह का ग्लिटरी हो, आपका चॉइस कैसा भी हो सकता है. और ये आई जस्ट स्टोर माई आर्टिफिशियल स्टफ इन दिस. तो ये जो मेरा इयर रिंग्स हैं, जो मेरे हुप्स हैं, इस तरह से आई वॉट आई डू इज ये मैं आई डोंट थ्रो दीज अवे, मैं तो इसी में हैंग कर देती हूँ तो ये इधर उधर नहीं होता एंड इट स्टेज इन दैट. मतलब आई एम लिटिल ओ सी डी तो आई कीप एवरी थिंग इन अ पाउच. तो एक पाउच के अंदर एक और पाउच. तो ऐसे मेरे जितने भी क्लिप्स, मेरे रबर बैंड जो भी हैं, आई हैव टू हैव देम प्रॉपरली इन सम काइंड ऑफ कंटेनर. तो एक जगह ये मेरे स्टोर हो जाते हैं एंड अगेन इट्स कन्वीनियंट. सेकेंड अप इज दिस. सिंस यू वेयर मेकअप और आफ्टर द डे यू हैव टू क्लीन योर फेस, तो आई कीप माई कॉटन स्वॉप्स इन दिस. तो ये कॉटन के हैं और इसके ऊपर ये ऐसे लिड लग जाता है तो ये सेफ रहते हैं. सो यू कैन यूज़ देम एंड दे डोंट गेट डर्टी एंड इट लुक्स नाइस केप्ट ऑन द एनी सर्फेस. और ये क्रिस्टल के भी आते हैं बट मुझे लगता है वो जल्दी से साफ़ नहीं हो पाते, इसमें कोई ग्रूव्स नहीं है तो इट कैन क्लीन इट वेरी नाइसली. तो आई कीप इट इन दिस. और ये भी मेरे वॉशरूम में रखा रहता है, एवरी डे आई यूज़ इट टू क्लीन माई फेस. और जितना पूरा एक बंडल होता है कॉटन के स्वॉप्स का वो पूरा इसमें आ जाता है. तो आई थिंक इट इज़ अ गुड परचेज. और आई थिंक बहुत महंगा भी नहीं, अंडर 50 यू कैन गेट वेरी मैनी डिज़ाइन. ये फ्लावर्स वाला है, कई फ्रूट्स वाले भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट टाइप के भी होते हैं. तो जो आपका चॉइस है आप वैसा यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ अनदर वन विच आई यूज़. फिर नेक्स्ट अप इज़ लिपस्टिक्स. तो आई कीप माई लिपस्टिक्स इन दिस. ये भी ऐसे ही एक लिपस्टिक कंटेनर है, इसमें बड़े साइज़ के भी आते हैं बट आई कीप माइन इन दिस वन. तो ये जो स्टैंडिंग वाला है आई यूज़ फॉर दीज लिपस्टिक्स. एंड कुछ ऐसे ये लिक्विड लिपस्टिक्स होते हैं ना तो दे डोंट कम इन दिस, और अगर रख लो तो ड्रॉअर नहीं क्लोज होता. तो व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट कीप देम लाइक दिस इन दिस. और इस तरह के मेरे पास बहुत सारे कंटेनर्स हैं जो मैं अपने ड्रॉअर्स में रख लेती हूँ टू कीप माई फाउंडेशन, टू कीप माई ब्रशेज. और ऐसे ही कंटेनर्स आई कीप इन माई ड्रॉअर. और ऐसे ही दीज आर सॉर्टेड, तो ऐसे मुझे आराम से नज़र आ जाता है कि मुझे क्या यूज़ करना है. सो नेक्स्ट अप एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वन. सो दिस इज़ द बॉक्स आई कीप माई ज्वेलरी इन. तो ये जो मैं रोज़ ज्वेलरी यूज़ करती हूँ लाइक दिस वन. सो व्हेन आई एम डन विद द डे आप इसमें रखिए, जो रोज़ मैं यूज़ करती हूँ एंड यू सिक्योर इट क्योंकि इसमें लिड है और इट लुक्स वेरी नाइस, देखने में भी बड़ा प्यारा है. तो मैं इसमें रख के एंड आई गो ऑफ टू स्लीप. ऑब्वियसली आप इसको अपने वार्डरोब में रखेंगे तो ये इधर उधर मिसप्लेस नहीं होगा. तो आई कीप वन बॉक्स लाइक दिस सो दैट एवरी डे वॉट आई यूज़ फॉर ज्वेलरी आई कीप इट इन दिस बॉक्स. जो भी इयर रिंग्स होंगे या रिंग्स होंगे, आपके चेन होंगे, एक एक बॉक्स में रख के एंड देन यू आर सॉर्टेड, यू कीप इट एंड यू आर डन. तो दीज वर फ्यू टिप्स विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू कि मैं क्या यूज़ करती हूँ टू स्टोर माई थिंग्स एंड हाउ आई कीप देम ऑर्गेनाइज. होप यू लाइक दिस एंड यू विल लाइक टू गिव मी सम सजेशंस ताकि मैं और इसको किस तरह से अपने लिए यूज़ कर सकूँ. And please do like if the video if you like the content and do subscribe and don't forget to hit the notification bell. Until next time, hope you keep safe and stay home and stay healthy. Bye. See you soon.